हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा किस प्रकार से करें। तो आप एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर आप विराजमान करें भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो या फिर प्रतिमा। यदि आपके पास नहीं है तो आप विष्णु भगवान का भी पूजन कर सकते हैं और साथ में इसके अलावा आप सुपारी से भी धन्वंतरी भगवान का निर्माण कर सकते हैं। और साथ में हमें कलश की पूजा करनी होती है तो आप अपनी गंगा जली रख लें या फिर एक जल का लोटा भर के भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो नीचे आप अक्षत अवश्य रूप से रख ले। यहाँ पर मैं गणेश जी विराजमान कर रही हूँ। गणेश जी का पूजन, देखिए पंच दिवसीय ये त्यौहार होता है, इसमें लक्ष्मी गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और साथ में आप चाहें तो यहाँ पर कुबेर जी भी रख सकते हैं, सारा पूजन एक साथ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे और इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। दोस्तों, पंच दिवसीय दीपावली के पर्व में सबसे पहला त्यौहार धनतेरस का होता है जो कि विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य योग्यता का देवता कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से अवतरित हुए थे। मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप धन्वंतरी की जगह पर आप भगवान विष्णु का भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, सभी को चंदन रोली से हम तिलक कर देंगे। धन्वंतरी जी को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी के ये भाई हैं क्योंकि एक ही साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आरोग्यता का देवता और सभी औषधियों का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। माना जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने साथ अमृत कलश और आयुर्वेद को लेकर के प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन धन और समृद्धि का विशेष रूप से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, इसके बाद में आप जनेऊ अर्पित कर दें। जनेऊ यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चा सूत भी 7 बार 5 बार लपेट करके अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अमृत कलश का भी हमें पूजन करना चाहिए क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के उत्पन्न हुए थे। तो आज के दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही साथ आप कुबेर का भी पूजन कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी का भी साथ में ही पूजन कर सकते हैं। और आप इस दिन यदि कोई भी नई धातु के बर्तन लेकर के आते हैं, भगवान धन्वंतरी को पीला जो धातु है यानी कि सोना और जैसे पीतल है ना, वो अत्यधिक प्रिय है। तो आप इस दिन अगर सोने चांदी या किसी भी धातु के बर्तन लाए हैं तो उसे भी आप पूजा में अवश्य रूप से रखें, उनका भी आप पूजन करें। तो देखिए, हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद में जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उन सभी को हम धन्वंतरी भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हमने दूर्वा अर्पित कर दी है। यहाँ पर पपीते का पत्ता, पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता इस तरीके से, और साथ में देखिए नीम के पत्ते, और यहाँ पर हम एलोवेरा और इसके बाद में कड़ी पत्ता, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उन सब का हम यहाँ पर भगवान को इस तरीके से अर्पित करते हैं। इसके बाद में जो भी आपके पास पुष्प हो वो सब आप भगवान को इस तरीके से आप चढ़ा दें। तो इन्हें आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। तो आयुर्वेदिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे घर में मसाले आदि होते हैं ना, सामग्री की वीडियो मैंने डाली हुई है। आप यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची छोटी बड़ी हरी वाली, सभी यहाँ पर भगवान को अर्पित करें। और यहाँ पर देखिए, हम च्यवनप्राश, शहद और जो भी घर में औषधियाँ हो उन्हें आप इस तरीके से पूजा में अवश्य रूप से रखें। इनका भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं ताकि ये औषधियाँ प्रभावशाली हों और हमें स्वस्थता प्रदान करें। धन्वंतरी भगवान को पीतल धातु अत्यधिक प्रिय होती है। तो इस दिन सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी या पीतल के बर्तन खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी, जो भी हम खरीदारी करते हैं दोस्तों, उसका 13 गुना हमें वृद्धि प्राप्त होती है। धन्वंतरी जी की पूजा से धन व आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो देखिए, सभी औषधियों का पूजन करने के बाद में हम भोग लगा देंगे। जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो, खील बताशे का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, पंचमेवा का भोग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे। उसके बाद में हम धूप दीप से आरती करेंगे भगवान की। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी होती है धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की। आप चाहें तो ये जो पूजन है संयुक्त रूप से लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, धन्वंतरी जी का पूजन और साथ में कुबेर जी का पूजन एक साथ भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से अलग से भी आप पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में धन्वंतरी भगवान की जय आप अवश्य लिखें। देखिए, पूजा संपूर्ण होने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।